हेलो गाइस, माय नेम इज नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक क्लस्टरिंग एल्गोरिदम कवर करने वाले हैं जिसका नाम है हायरार्की क्लस्टरिंग। ठीक है, इस पूरे वीडियो में मैं बहुत डिटेल में आपके साथ हायरार्की क्लस्टरिंग डिस्कस करूंगा, उसकी ज़रूरत क्यों है, इंट्यूशन क्या है, पूरा एल्गोरिदम काम कैसे करता है और उसके टाइप्स क्या क्या हैं, किस तरह के डेटा सेट्स पे एप्लीकेबल है, उसका एक कोड एग्जाम्पल, ये सब मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, हायरार्किकल क्लस्टरिंग पढ़ने के पहले हमें ये सीखना चाहिए कि के मीन्स क्लस्टरिंग में क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, हमने सबसे पहले जो एल्गोरिदम पढ़ा क्लस्टरिंग में वो था के मीन्स क्लस्टरिंग। अब ऑब्वियसली अगर और क्लस्टरिंग मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं, इट मीन्स के मीन्स में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, सो अगर आपको के मीन्स का फंक्शनैलिटी या वर्किंग याद होगा तो आपको पता होगा कि के मीन्स डिस्टेंसेस के ऊपर बहुत रिलाई करता है। ठीक है, इनफैक्ट वहां पे आप डिस्टेंस टू सेंट्रोइड निकालते हो, डिस्टेंस टू सेंट्रोइड टू क्रिएट क्लस्टर्स। ठीक है, आपको थोड़ा सा पीछे जा करके के मीन्स याद करना पड़ेगा, बट दैट इज हाउ इट वर्क्स। अब इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अगर आपके पास इस तरह का डेटा सेट है जहां पे आपके पास वेल डिफाइंड बाउंड्रीज में आपके पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं लाइक दिस, तो के मीन्स बहुत इजीली क्लस्टर्स आपको बना देगा, इसमें कोई परेशानी नहीं रहेगी। बट जैसे ही आप थोड़े डिफिकल्ट टाइप के केसेस देने लगोगे के मीन्स को, यू वुड फाइंड कि के मीन्स फेल कर रहे हैं। जैसे कि ये एक एग्जांपल डेटा सेट है। सो दिस इज अ डेटा सेट जहाँ पे आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं और सिंस डिस्टेंस टू सेंट्रॉइड वाले मैकेनिज्म पे काम कर रहा है, हमारे के मीन्स को लग रहा है कि ये एक सेंट्रो क्लस्टर है और ये दूसरा क्लस्टर है। ठीक है, तो यू कैन सी यहाँ पर फेल कर रहा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था कि इसको एक क्लस्टर बताए और बाहर वाले को दूसरा क्लस्टर बताए। सिमिलरली, एक और डेटा सेट जो बहुत यूज किया जाता है क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स के वर्किंग को देखने के लिए, वो है ये डेटा सेट। इसको ट्रू टू क्रेसेंट डेटा सेट बोला जाता है। अब ऑब्वियसली होना क्या चाहिए था कि इसको एक क्लस्टर बताना चाहिए था, इसको दूसरा क्लस्टर बताना चाहिए था, बट अगेन जिस तरीके से के मीन्स काम करता है उसकी वजह से यू कैन सी इस डेटा सेट के ऊपर भी के मीन्स फेल कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली ये डेटा सेट जहाँ पे तीन पैरेलल क्लस्टर्स हैं, इसमें भी यू कैन सी कि के मीन्स ठीक से काम नहीं कर पा रहा। और एक ये डेटा सेट है, ये एक्चुअली नॉइज या आउटलायर का डेटा सेट है। सो यहाँ पे कुछ जो पॉइंट्स हैं ये सब नॉइज है, इनको आप एक्चुअली नहीं चाहोगे कि ये किसी भी क्लस्टर का पार्ट बने, बट सिंस के मीन्स है वो हर पॉइंट को किसी ना किसी क्लस्टर में असाइन करेगा ही, दैट इज वाई यू कैन सी कि हर पॉइंट किसी ना किसी क्लस्टर में असाइंड है। इतना खराब परफॉर्मेंस नहीं है ऑल दो, बट हम चाहते थे कि नॉइज को हटा ले के मीन्स, बट वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है के मीन्स की, कि कुछ स्पेसिफिक तरीके के डेटा सेट के ऊपर काम नहीं करता है। के मीन्स का जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आता है वो आता है स्फेरिकल या सर्कुलर डेटा सेट्स में, जहाँ पे सर्कल्स और स्फेयर्स थोड़े अलग अलग हो हायर डायमेंशन में। ठीक है, अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और दूसरे क्लस्टरिंग मेथड्स हैं। हम दो मेथड्स पढ़ेंगे। सबसे पहला वह है हायरार्किकल क्लस्टरिंग, जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे एंड टू एंड, और एक और बहुत फेमस है जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। इसमें एक एल्गोरिदम है जिसको हम बोलते हैं डीबी स्कैन, ये हम लोग आगे किसी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब डीबी स्कैन का सबसे अच्छा बात क्या है कि ये डेंसिटी के बेसिस पे क्लस्टरिंग करता है। सो अगर आपके पास इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं, इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो इसको एक क्लस्टर मानेगा, इन सबको नॉइस मानेगा, इनको क्लासिफाई नहीं करेगा इनटू एनी क्लस्टर। लाइक ये अगर डेटा सेट है आपके पास, तो डीबी स्कैन का रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, सी दिस इज द रिजल्ट ऑफ डीबी स्कैन। सो इसने दो क्लस्टर्स बनाए, ऑरेंज एंड ब्लू, और ये जो ब्लैक पॉइंट्स हैं ये डीबी स्कैन बता रहा है कि ये आपके आउटलायर्स हैं या नॉइजेस। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे डीबी स्कैन आगे के एक वीडियो में पढ़ेंगे, बट इस पॉइंट पे मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि बाकी के क्लस्टरिंग मेथड्स इसलिए एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज के मीन्स इज नॉट परफेक्ट, और कहाँ पे कमी रह जाती है उसके कुछ केसेस मैंने आपको दिखा दिए। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू हायरार्किकल क्लस्टरिंग। अब इसमें दो टाइप्स होते हैं,
जो फर्स्ट टाइप होता है उसको हम बोलते हैं एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग, और जो सेकंड होता है उसको हम बोलते हैं डिवाइसिव क्लस्टरिंग। जो एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग है ये ज्यादा यूज होता है और डिवाइसिव उतना ज्यादा यूज नहीं होता है। तो हमारा जो मेन फोकस होगा इस वीडियो पे वो होगा फर्स्ट वाले के ऊपर, सेकेंड वाले का मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूंगा, ठीक है। अब एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग कैसे काम करता है वो देखते हैं। सो मान लो मेरे पास ये 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और मुझे इनको क्लस्टर करना है। तो एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग में आप क्या करते हो, सबसे पहले आप ये अजम्पशन से स्टार्ट करते हो कि हर पॉइंट खुद एक क्लस्टर है, मतलब आप इन सभी को एक क्लस्टर मान लेते हो। यू स्टार्ट विद दिस अजम्पशन कि सारे ही पॉइंट्स एक क्लस्टर है। तो इनिशियली हमारे पास जितने पॉइंट्स हैं उतने ही क्लस्टर्स हैं। उसके बाद अब आप क्या करते हो, स्टेप वन में जो सबसे पास वाले पॉइंट्स होते हैं, जो सबसे पास वाले 2 पॉइंट्स होते हैं, उनको आप मर्ज करके एक क्लस्टर बना देते हो। जैसे इस पॉइंट पर अगर आप देखो तो 4 और 5 आपके सबसे क्लोजेस्ट, इनफैक्ट एक काम करते हैं, इसको मैं दोबारा से ऐसा बना देता हूं। या सो 4 और 5 सबसे क्लोज हैं, तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों को मर्ज करके एक क्लस्टर बना दोगे। और जब भी आप ये मर्जिंग करोगे तो इस मर्जिंग का रिकॉर्ड आप कहीं पे स्टोर करोगे। तो आप क्या कर रहे हो, आप 4 और 5 यहां पे लिख के इनको ऐसे जोड़ दे रहे हो, ठीक है। फिर आप आगे मूव करोगे। अब अगर आप आगे देखो तो 1 और 2 भी बहुत पास में है, तो आप इन दोनों को भी एक क्लस्टर में कन्वर्ट कर दोगे, मर्ज कर दोगे। तो ये रिकॉर्ड भी आपको कहीं पे रखना है, तो आप लिखोगे 1 और 2, ठीक है। अब अगला अगर आप देखो तो X3, ये जो क्लस्टर है इसको लेट्स से हम बोलते हैं C1, इसको हम बोलते हैं C2, ठीक है। दिस इज C1, दिस इज C2। तो X3 जो है वो C2 के C1 के पास में, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 3 को लेके आओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक नया क्लस्टर बना दोगे, दिस इज द 3rd क्लस्टर, लेट्स कॉल इट C3, और इसका भी आप ट्रैक रिकॉर्ड रखोगे लाइक दिस, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, ये जो X6 है ये आपका C3 के बहुत पास में है, दिस इज C3 बाय द वे। तो आप क्या करोगे, 6 को उठाओगे और मर्ज कर दोगे, और यहां पे आप क्या कर रहे हो, एक नया क्लस्टर इस तरीके से बना रहे हो, और लास्टली इन दोनों क्लस्टर्स को भी आप मर्ज कर दोगे। सो बेसिकली यू विल डू समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज C4, ये दिस येलो वन इज C3, दिस वन इज C4, और लास्टली जो आपने पूरा मर्ज किया दिस इज योर C5, ठीक है। एंड में आपके पास सिर्फ एक ही क्लस्टर बचेगा विच इज C5, ठीक है। सो दैट इज हाउ एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग वर्क्स। और आप जब भी मर्जेस कर रहे हो तो आप उन मर्जेस को एक जगह पे रिकॉर्ड कर रहे हो, और ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है इसको बोला जाता है डेंडोग्राम, डेंडोग्राम। यहीं पर आप ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो कि आपने किस ऑर्डर में सीक्वेंसेस किए थे, सॉरी किस ऑर्डर में मर्जेस किए थे, ठीक है। इसको देख के तुरंत समझ में आ रहा है कि 4 और 5 सबसे पास में थे, 1 और 2 पास में थे, 3, 4 और 5 के पास में था, 6, 3, 4, 5 के पास में था, और फिर इस तरीके से कॉम्बिनेशंस हुए। तो यू कैन सी ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है ये एक हायरार्की बता रहा है, ठीक है। और उसी वजह से इस एल्गोरिदम का नाम हायरार्कल क्लस्टरिंग है, ठीक है, क्योंकि ये आपको हायरार्की ऑफ यू नो क्लस्टरिंग बताता है, ठीक है। अब आप इस डेंडोग्राम को देख के डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने क्लस्टर्स चाहिए, क्योंकि एट द एंड तो आपके पास एक ही क्लस्टर बनेगा, पूरा का पूरा बड़ा एक सिंगल क्लस्टर। बट अगर आपको मान लो उसमें से 2 क्लस्टर्स निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, इस डेंडोग्राम को यहां से काट दोगे, और अब आप नोटिस करो कि आपके पास 2 क्लस्टर्स बच रहे हैं, एक ये और एक पूरा ये। अगर आपको 3 क्लस्टर्स चाहिए तो आप यहां से काट दो, अब आपके पास 3 क्लस्टर्स बचे, एक पॉइंट नंबर 6, एक इतना और एक इतना, ठीक है। अगर आपको 4 क्लस्टर्स चाहिए तो आप यहां से काट दो, अब आपके पास 4 क्लस्टर्स बचे, पॉइंट नंबर 6,
थ्री फोर एंड फाइव, वन एंड टू। इस तरीके से आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कितने भी क्लस्टर्स बना सकते हो, ठीक है। सो अगर आप एक हायरकी पूरा समझो, तो इनिशियली हमारे पास टोटल मिला के 6 पॉइंट्स थे, तो हमारे पास 6 क्लस्टर्स थे शुरू में। फिर उससे हमने कितने क्लस्टर्स बनाए, जब हमने ये बनाया, तो जैसे हमने ये क्लस्टर फॉर्म किया, हमारे पास अब कितने क्लस्टर्स हो गए, एक दो तीन चार पांच, 5 क्लस्टर्स हुए। फिर हमने जब इस वाले को बनाया, तो अब हमारे पास 4 क्लस्टर्स हुए। उसके बाद हमने फिर इन तीनों को बनाया, तो 3 क्लस्टर्स हुए, फिर 2, और फिर फाइनली 1। अब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि इसमें से आप किसी भी स्टेज पे रुक सकते हो और उतने ही क्लस्टर आप रख सकते हो, ठीक है। ये पूरा का पूरा हायरकी आपका डेंडोग्राम में स्टोर्ड है, ठीक है। तो ये एक इंट्यूशन हो गया इस एल्गोरिदम का कि ये कैसे काम करता है। आपको ज्योमेट्रिकली समझा दिया मैंने, मैं आपको इसका एग्जैक्ट एल्गोरिदम भी बताऊंगा, सो दैट अगर आपको खुद से कोड करना हो तो आप खुद से कोड भी कर पाओ। बट सिंस आपने ये समझ लिया है कि एग्लोमेरेटिव कैसे काम करता है, मैं आपको झट से एक इंट्यूशन देता हूँ कि डिवाइसिव क्लस्टरिंग कैसे काम करता है। सो सेम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमारे पास वही 6 पॉइंट्स हैं, मान लो हमारे पास ये 6 पॉइंट्स हैं। तो डिवाइसिव क्लस्टरिंग जो होता है वो एग्लोमेरेटिव के ठीक उल्टा काम करता है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट। सो इट विल स्टार्ट विद दिस अजम्पशन कि सिर्फ एक ही क्लस्टर है, ये बड़ा सा चीज एक सिंगल क्लस्टर है, ठीक है। तो इट विल स्टार्ट विद 1 क्लस्टर। अब उसके बाद क्या करेगा कि ये इससे 2 क्लस्टर्स बनाने का ट्राई करेगा, तो वो बोलेगा कि ये एक क्लस्टर हो गया और ये पूरी चीज दूसरी क्लस्टर हो गई, ठीक है। तो अब वो एक से 2 क्लस्टर्स बना देगा। फिर वो इसको और ब्रेक करने का ट्राई करेगा, वो बोलेगा कि इसमें ये एक क्लस्टर है और ये एक क्लस्टर है, तो अब अपने पास 3 क्लस्टर्स हो जाएंगे। फिर वो और ब्रेक डाउन करने का ट्राई करेगा, वो बोलेगा ये एक क्लस्टर है, ये दोनों एक क्लस्टर है, तो फिर अब 4 क्लस्टर्स हो जाएंगे। और ऐसा करते करते इवेंचुअली हर पॉइंट एक क्लस्टर बन जाएगा। सो इवेंचुअली वी विल हैव 6 क्लस्टर्स, जितने पॉइंट्स हैं उतने ही क्लस्टर्स हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट ऑपोजिट सेंस में डिविजिव क्लस्टरिंग काम करती है, जिस तरीके से आपने एग्लोमेरेटिव पढ़ा था, ठीक है। इट्स जस्ट कि एग्लोमेरेटिव ज्यादा यूज किया जाता है, उसका सिंपल रीजन ये है कि डिस्टेंस के बेसिस पे मर्ज करना ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू ब्रेक करना, ठीक है। मर्जिंग ज्यादा इजी है ब्रेक करने के कंपैरिजन में, ठीक है। सो दैट इज व्हाई एग्लोमेरेटिव ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको इसके पीछे का जो एग्जैक्ट एल्गोरिदम है वो समझाने का ट्राई करता हूँ। सो गाइस नाउ लेट्स डिस्कस द एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिदम मतलब स्टेप्स जो आप करके इस लाइब्रेरी को, इस एल्गोरिदम को खुद से स्क्रैच से कोड कर सकते हो, और इसको डिस्कस करने से बहुत क्लैरिटी भी आपको मिलेगा कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो मान लो हमारे पास ये 5 पॉइंट्स हैं, हमें बस ये 3 4 स्टेप्स का एक सूडो कोड लिखना होगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले यू हैव टू इनिशियलाइज द प्रॉक्सिमिटी मेट्रिक्स। सो प्रॉक्सिमिटी मेट्रिक्स क्या होता है कि अगर आपके पास एन पॉइंट्स होते हैं, तो ये एन क्रॉस एन का एक मेट्रिक्स होता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं, पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर एंड पॉइंट फाइव, और इसी तरीके से आप यहाँ पे भी एक लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ग्रिड सॉर्ट ऑफ है जहां पे आप 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस लिखते हो, जैसे पी वन पी वन के बीच का जो डिस्टेंस है डैट वुड बी 0, पी वन पी टू के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, पी वन पी थ्री के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, पी वन पी फोर के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इस पूरे मैट्रिक्स को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ऑब्वियसली इसका जो डायगनल होगा वो 0 होगा, बिकॉज हर पॉइंट का खुद के साथ जो डिस्टेंस है वो 0 है, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले ये मैट्रिक्स क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करते हो, आप हर पॉइंट को एक क्लस्टर बना देते हो, तो हर पॉइंट एक क्लस्टर बन जाता है, ठीक है। पी वन इज अ क्लस्टर, पी टू इज अ क्लस्टर, पी थ्री इज अ क्लस्टर, ईच पॉइंट इज अ क्लस्टर, ठीक है। फिर आप एक लूप चलाते हो, आप एक लूप चलाते हो, और उस लूप में आप क्या करते हो कि 2 क्लोजेस्ट पॉइंट्स का एक क्लस्टर बना देते हो। जैसे कि अगर आप ये एग्जाम्पल देखो
तो यहां पर यू कैन सी कि P3 और P4 जो है ये सबसे क्लोजेस्ट है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मर्ज कर दोगे, इन दोनों को मर्ज कर दोगे, और अब क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ये मैट्रिक्स, और ऐसा दिखाई देगा P1 P2 C1 एंड P5। यहां भी हो जाएगा P1 P2 C1 एंड P5। P1 का P2 से, P1 का P1 से डिस्टेंस 0 है, P1 का P2 P2 का P2 से 0 है, C1 का C1 से 0 है, P5 का P5 से 0 है, बाकी की जो वैल्यूज हैं वो सेम रहेंगी। आपको बस क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यूज को रिकम्प्यूट करना पड़ेगा। देखो यहां पे लिखा हुआ है अपडेट द प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स। अब आपको ये नहीं पता कि C1 का P1 से डिस्टेंस क्या है, C1 का P2 के साथ डिस्टेंस क्या है, C1 का P5 के साथ डिस्टेंस क्या है, और सेम आपको इस कॉलम में भी करना पड़ेगा। सो बेसिकली आपको ये वैल्यूज दोबारा से कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करोगे, जैसे ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, आप अभी लूप के अंदर हो, फिर से आप देखोगे कि C1 और P5 ये सबसे क्लोज में है, तो इनको मर्ज करके आप बना दोगे अब P1 P2 C2, P1 P2 C2, P1 P2 के डिस्टेंसेस कैलकुलेटेड हैं। आपको फिर से ये वाला रो और ये वाला कॉलम का वैल्यूज को फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आप इन दोनों को मर्ज कर दोगे, और ऐसा लूप में आप करते चले जाओगे जब तक सिर्फ एक क्लस्टर नहीं बचता, जब तक सिर्फ एक वैल्यू नहीं बचती यहाँ पे, ठीक है। दैट इज हाउ दिस एल्गोरिदम वर्क्स, ठीक है। अब इसमें जो सबसे ट्रिकी पार्ट है वो ये है कि मान लो आपके पास दो क्लस्टर्स बन गए, ये भी एक क्लस्टर बन गया और ये क्लस्टर पहले से ही था। अब आपको क्या करना है, मान लो अब इस स्टेट में आपके पास इसको हम बोल रहे हैं C2 और इसको हम बोल रहे हैं C3, तो आपका जो मैट्रिक्स है वो ऐसा दिखाई दे रहा है C2 C3 C2 C3। तो अब हमें ये जो डिस्टेंस निकालना है C2 और C3 के बीच का, ये डिस्टेंस कैसे निकालना है, यही सबसे ट्रिकी काम है, ठीक है। इसी के ऊपर एक्चुअली डिपेंड करता है कि हम कौन सा एल्गोरिदम लगाएंगे। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको टाइप्स ऑफ एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग पढ़ाऊंगा, उसमें तीन चार टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंगल लिंक, एक होता है कंप्लीट लिंक, एक होता है वॉर्ड, ये अलग अलग टाइप्स होते हैं एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग के, और वो इसी बात से ओरिजिनेट करते हैं कि आप क्लस्टर्स के बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हो। क्लस्टर्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के दो तीन तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि जो क्लोजेस्ट पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, एक और तरीका क्या है कि जो सबसे दूर के पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, एक और तरीका क्या है कि एवरेज निकाल लो दोनों का और उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो। तो ये अलग अलग तरीके हैं और इन्हीं अलग अलग तरीकों के ऊपर अलग अलग टाइप्स होते हैं एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग के। तो हम अभी वही देखेंगे नेक्स्ट कि कौन से अलग अलग टाइप्स हैं और ये अलग अलग डिस्टेंसेस निकालने से आउटपुट के ऊपर क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो आई होप मैं आपको ये एल्गोरिदम समझा पाया। अगर आप चाहो तो एक बार पाइथन यूज करके इसको कोड करने का भी ट्राई कर सकते हो। सो साइकिटलर्न में चार तरीके का एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग होता है। सबसे पहला जो होता है उसका नाम है सिंगल लिंक, या फिर मिन के बेसिस पे या मिनिमम के बेसिस पे। दूसरे को हम बोलते हैं कंप्लीट लिंक, जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस के बेसिस पे होता है। थर्ड होता है एवरेज, और फोर्थ होता है वॉर्ड मेथड, ठीक है। हम एक एक करके इन चारों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आई विल शो यू सिंगल लिंक कैसे काम करता है, या जो मिन बेस्ड है वो कैसे काम करता है। सो सी, जो डिफरेंस है वो सिर्फ इस चीज के बेसिस पे है कि आप दो क्लस्टर्स के बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, या इसको हम बोलते हैं इंटर क्लस्टर सिमिलैरिटी, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास ये दो क्लस्टर्स हैं और हमें मिन या सिंगल लिंक क्लस्टरिंग करना है, तो अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे कि आप जितने भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स हैं उन सबके बीच डिस्टेंस निकालोगे। आप ये डिस्टेंस निकालोगे, आप ये भी डिस्टेंस निकालोगे, आप ये भी डिस्टेंस निकालोगे, और आप बाकियों के साथ भी डिस्टेंस निकालोगे। टोटल मिला के यहाँ पे 3 × 2 = 6 डिस्टेंसेस आप कैलकुलेट करोगे, और फिर आप उस डिस्टेंस के बेसिस पे सिमिलैरिटी निकालोगे जो सबसे कम है, बेसिकली ये डिस्टेंस, ठीक है। इसी को बोला जाता है मिन या सिंगल लिंक क्लस्टरिंग, जहां पे आप दो क्लस्टर्स का डिस्टेंस निकालते हो विद द हेल्प ऑफ टू पॉइंट्स विच आर क्लोजेस्ट,
जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे जल्दी से आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दूँ, तो देखो अगर मान लो आपके पास ये 5 पॉइंट्स हैं जिनको आपको क्लस्टर करना है, तो सबसे पहले क्लस्टरिंग होगी इन दोनों की, ठीक है, उसके बाद होगी इन दोनों की। अब ये इसके पास है रादर देन इसके। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, हम इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से निकालेंगे, बेसिकली ये डिस्टेंस निकालेंगे, और इस केस में हम आई डोंट नो शायद ये डिस्टेंस निकालेंगे। सिंस ये डिस्टेंस कम है तो आप ये क्लस्टरिंग कर दोगे, और अब आप इन दोनों में जो क्लोजेस्ट पॉइंट्स हैं, बेसिकली ये दोनों, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल के ये क्लस्टरिंग कर दोगे। दैट इज हाउ मिन या फिर सिंगल लिंक क्लस्टरिंग वर्क्स। ठीक है, अब सिंगल लिंक क्लस्टरिंग का फायदा क्या है, आप यहाँ पे दो इमेजेस देखो, ये फर्स्ट इमेज है। अगर आपके क्लस्टर्स के बीच में गैप है अच्छा खासा, ये जो गैप है ये अच्छा खासा है, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत इजीली सिंगल लिंक क्लस्टरिंग लगा के क्लस्टर कर सकते हो अपने पॉइंट्स को, आपको सही आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर यू कैन सी बहुत इजीली आपका आउटपुट आ गया। बट डाउनसाइड क्या है इस एल्गोरिदम का, कि अगर आपके डेटा में आउटलायर्स हैं, जैसे यहाँ पे आपको कुछ आउटलायर्स दिख रहे हैं, तब ये लॉजिक फेल कर जाता है। एंड यू कैन सी अब ये जो क्लस्टरिंग कर रहा है उसमें बीच में कहीं पे रेड है, कहीं पे ब्लू है, कहीं पे रेड है, कहीं पे ब्लू है। तो दिस मिन या सिंगल लिंक क्लस्टरिंग इज ससेप्टेबल टू आउटलायर्स या फिर नॉइज। अगर आपके डेटा में आउटलायर्स हैं या फिर नॉइज है, तो आप सिंगल लिंक वाला यूज नहीं करोगे। आप सिंगल लिंक वाला तभी यूज करोगे जब आपके डेटा में बहुत इजी इस तरीके का एक सेग्रीगेशन है, एक डिफरेंस है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कंप्लीट लिंक या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस के बेसिस पे। नेक्स्ट वन इज कंप्लीट लिंक या फिर मैक्स के बेसिस पे डिस्टेंस निकालना। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आपको फिर से क्या करना है, मान लो आपको इन दो क्लस्टर्स के बीच में इंटर क्लस्टर सिमिलैरिटी कैलकुलेट करना है, तो आप हर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, आप ये सारे डिस्टेंसेस निकालोगे, और फिर आप वो कॉम्बिनेशन रखोगे जहां पे डिस्टेंस मैक्सिमम है, बेसिकली ये वाला। ठीक है, इसी को बोला जाता है कंप्लीट लिंक। सो अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, तो यहाँ पर यू कैन सी सबसे पहला ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा, और अब हमें पता करना है कि इस पॉइंट का किसके साथ क्लस्टर बनेगा। तो यू कैन सी एक डिस्टेंस ये है और एक डिस्टेंस ये है। ठीक है, तो सिंस इस बार इस वाले के साथ डिस्टेंस कम पड़ रहा है, दूर वाला, तो आप क्लस्टरिंग ऐसे करोगे। अब हो सकता था शायद अगर आप मिन के बेसिस पे करते तो ये पॉइंट इसमें क्लस्टर होता, बट सिंस आप मैक्स के बेसिस पे कर रहे हो तो आप इसमें क्लस्टर कर रहे हो। ठीक है, अगेन ये एग्जैक्ट नहीं है, बट कुछ डेटा सेट्स में आपको इस तरीके का बिहेव करेगा। अब इससे फायदा क्या होता है कि जो आउटलायर्स होते हैं वो बहुत बढ़िया कंट्रोल हो जाते हैं। यू कैन सी आप एक बार रुक करके पॉज करके देख सकते हो कि इस टेक्निक को लगाने से आउटलायर या नॉइज बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है, यू कैन सी। ठीक है, यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आपके डेटा में आउटलायर्स हैं या फिर नॉइज है, तो आप कंप्लीट लिंक लगा करके क्लस्टरिंग कर सकते हो। और अगर आप डिसएडवांटेज का बात करो, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कंप्लीट लिंक का, कि अगर आपके पास इस तरह का डेटा है जहां पर एक क्लस्टर थोड़ा छोटा है साइज में और दूसरा क्लस्टर बहुत बड़ा है, तो जो इसका इंटरनल वर्किंग है उसके हिसाब से क्या होगा कि जो आपका बड़ा वाला क्लस्टर होगा ना, वो टूट जाएगा। यू कैन सी यहाँ पर क्लस्टरिंग ऐसे हो रहा है, इसको ब्लू मान रहा है और बाकी को रेड मान रहा है। तो अगर एक बहुत बड़ा क्लस्टर है तो उसको ब्रेक कर डालेगा छोटे क्लस्टर्स में। ठीक है, तो ये डिजायरेबल नहीं है। सो गाइज, बाकी के जो दोनों मेथड्स हैं, ग्रुप एवरेज और वॉर्ड, ये मिन और मैक्स के बीच में है। ठीक है, मिन की जो कमियां हैं और जो स्ट्रेंथ्स हैं, और मैक्स की जो कमियां और स्ट्रेंथ हैं, उनके बीच में एक बैलेंस ड्रॉ करने के लिए आप ग्रुप एवरेज या फिर वॉर्ड का यूज करते हो। ठीक है, मैं आपको पहले ग्रुप एवरेज दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। मान लो आपके पास दो क्लस्टर्स हैं, दिस इज वन क्लस्टर एंड वी हैव वन मोर क्लस्टर, दिस इज क्लस्टर टू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों क्लस्टर्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ग्रुप एवरेज में आप क्या करोगे कि आप जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उन सारे कॉम्बिनेशंस का डिस्टेंस निकालोगे।
ठीक है, सारे कॉम्बिनेशंस का आप डिस्टेंस निकालोगे और उन सबको ऐड कर दोगे, लाइक दिस इज डी वन, दिस इज डी टू, दिस इज डी थ्री, टोटल मिला के 6 हो गए यहाँ पे क्योंकि 2 × 3 है, तो आप डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री प्लस डी सिक्स निकालोगे और उसको 2 × 3 एज इन 6 से डिवाइड कर दोगे और ये जो नंबर आएगा यही आपका एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू क्लस्टर्स। ठीक है, तो ये मिन और मैक्स के बीच में रहता है, तो इसका इफेक्ट भी जो रहेगा वो मिन और मैक्स के बीच में ही रहेगा। ठीक है, अब लास्ट वाला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज वार्ड। अब गाइज वार्ड मेथड में हम कैसे काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लो हमें इंटर क्लस्टर डिस्टेंस निकालना है बिटवीन क्लस्टर ए एंड क्लस्टर बी, तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले इन दोनों क्लस्टर्स में जितने भी पॉइंट्स हैं उनका सेंट्रॉइड निकालोगे। मान लो वो सेंट्रॉइड यहाँ पे आ रहा है, दिस इज द सेंट्रॉइड। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इस सेंट्रॉइड से ये चार डिस्टेंसेस कैलकुलेट करोगे। ठीक है, लेट्स से ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है, तो जो डिस्टेंस है ए टू बी, दिस वुड बी इक्वल टू C1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर, C3 का स्क्वायर प्लस C4 का स्क्वायर माइनस आपका जो क्लस्टर के अंदर जो वेरिएंस है आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। सो बेसिकली मान लो ये दो पॉइंट्स हैं इस क्लस्टर में, इसका मीन ये हो गया। अब हम ये डिस्टेंस निकालेंगे, मान लो ये डिस्टेंस है A1 और ये डिस्टेंस है A2। सिमिलरली हम यहाँ पे मीन निकालेंगे, ये डिस्टेंस है B1 और ये डिस्टेंस है B2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर और ये आपका डिस्टेंस होता है। इसमें आप वेरिएंस मिनिमाइज करते हो, दिस इज द की फैक्टर, यू मिनिमाइज द वेरिएंस। ठीक है, और ये भी मिन और मैक्स के बीच में ही रहता है। ठीक है, एसकेलर्न में ये डिफॉल्ट है, दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू एसकेलर्न में। ठीक है, तो यही चार टाइप्स होते हैं आपके एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग के, मिन, मैक्स, एवरेज और वार्ड। ठीक है, ये हमने डिटेल में देख लिया। सो गाइज हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली बट हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस नहीं किया कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमें बनाने हैं। सो अगर आपको के मीन्स का फ्लो याद होगा तो के मीन्स में आपको बताना पड़ता था कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने बनाने हैं और वो बनाने के लिए हम एल्बो मेथड यूज करते थे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी हमें पता नहीं है कि कितने क्लस्टर्स बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि हम प्लॉट करके नहीं देख सकते, हो सकता है हमारा जो डेटा है वो हायर डायमेंशन में हो, तो यहाँ पर हमें डेंडोग्राम को यूज करना पड़ता है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्लस्टर्स जितने हमें चाहिए। ठीक है, सो ये छोटा सा ट्रिक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, डेंडोग्राम को प्लॉट करना है। सो ये एक डेंडोग्राम है। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको उस जगह से इस डेंडोग्राम को काटना है जहां पे आपके पास एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जो सबसे बड़ी हो, आपको सबसे लंबी या सबसे बड़ी वर्टिकल लाइन चाहिए जिसको कोई और हॉरिजॉन्टल लाइन ना काट रही हो। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आप इस लाइन की बात करो तो इसको ये लाइन काट रही है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसकी बात करो तो आप इसको भी कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि इसको ये लाइन काट रही है। ठीक है, आप इसको कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि इसको ये लाइन भी काट रही है, ये लाइन भी काट रही है, ये सारी लाइंस काट रही है। ठीक है, आपको सबसे लंबी वर्टिकल लाइन चाहिए जहां पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन उसको काट ना रही हो। ठीक है, तो यू कैन सी क्लियरली यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ना, सबसे पहले ये यहाँ पे कट हो रहा है और फिर यहाँ पे कट हो रहा है, इस बीच में कहीं पर भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन इसको काट नहीं रही है और यही सबसे बड़ा डिस्टेंस है। तो आप क्या करोगे, इसको बीच से ऐसे काट दोगे और ये ऊपर वाला पार्ट को आप हटा दो, तो अब ये जो दो वर्टिकल लाइंस हैं ये सिग्निफाई कर रहा है कि आपके पास इस डेटा में दो क्लस्टर्स बनेंगे। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ये एक दूसरे डेटा का डेंडोग्राम है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि सबसे लंबी वर्टिकल लाइन कौन सी है। ठीक है, मीनवाइल मैं एक काम कर देता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ ये इस तरीके से। अब ऑब्वियसली ये परफेक्ट नहीं आ रहा है बट यू गेट द आइडिया। सो यू कैन सी यहां पर जो सबसे लंबी लाइन दिखाई दे रही है
वो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है। तो आप क्या करोगे, आप यहां से काटोगे और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जितने वर्टिकल लाइंस को काटेगी उतने ही आपके क्लस्टर्स बनेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, सो हमारे पास 5 क्लस्टर्स बनेंगे। ठीक है, दैट इज हाउ दिस ट्रिक वर्क्स। ठीक है, आपको और कुछ डेंडोग्राम्स प्लॉट करके देखना चाहिए कि कितने क्लस्टर्स फॉर्म होंगे। इट्स अबाउट प्रैक्टिस। ऑल्सो गाइज, मैंने एक चीज स्पेसिफाई नहीं की कि ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या सिग्निफाई कर रहा है। ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये आपका इंटर क्लस्टर सिमिलैरिटी है। बेसिकली जो आप डिस्टेंस निकाल रहे थे बिटवीन क्लस्टर्स, ये वही है। ठीक है, सो मान लो आपके पास 2 क्लस्टर्स हैं लाइक दिस, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वही ये लाइन सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो गाइज, लेट्स डिस्कस द हाइपर पैरामीटर्स। साइकिटलर्न में एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग बोल करके एक क्लास है, और इसमें 4 इंपॉर्टेंट हाइपर पैरामीटर्स है जिनका ख्याल आपको रखना पड़ता है। सबसे पहला है एन क्लस्टर्स, जिसमें आप बताते हो कि आपको कितने क्लस्टर्स फॉर्म करने हैं। ठीक है, दूसरा है एफिनिटी, जिसका डिफॉल्ट वैल्यू है यूक्लिडियन। इट्स बेसिकली कि आप जब इंटर क्लस्टर डिस्टेंस निकालोगे तो कौन सा डिस्टेंस मेट्रिक यूज करोगे, यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज करोगे, मैनहट्टन यूज करोगे, कोसाइन यूज करोगे, L1 यूज करोगे, L2 यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लिंकेज। लिंकेज वही है आपका, जो अलग अलग टाइप्स होते हैं एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग के, कंप्लीट और आपका सिंगल लिंक। यू कैन सी व्हाट डिफॉल्ट है, कंप्लीट, एवरेज और सिंगल, जो हमने डिटेल में पढ़ा। ठीक है, और लास्ट में है डिस्टेंस थ्रेशोल्ड। बेसिकली एक डिस्टेंस वैल्यू आप दे सकते हो, अगर उससे कम हुआ डिस्टेंस 2 क्लस्टर्स के बीच में तो मर्जिंग होगा ही नहीं। ठीक है, यही 4 इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस क्लास को यूज करके मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेटा सेट के ऊपर हायरार्कल क्लस्टरिंग प्लॉट करके दिखाऊंगा। सो गाइज, हम लोग एक छोटा सा सैम्पल डेटा सेट यूज कर रहे हैं। आई विल शो यू, दिस इज द डेटा सेट। कस्टमर डेटा है हमारे पास, 200 कस्टमर्स का डेटा है। उनका एज है, उनका जेंडर है, ये जॉनर नहीं है, जेंडर है। एनुअल इनकम है, स्पेंडिंग स्कोर है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि हम उसमें से सिर्फ इतना डेटा यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग जस्ट दिस, दीज 2 वैल्यूज, ये 2 कॉलम्स हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर एवरी कस्टमर। ठीक है, अब आपको कुछ करना नहीं होता। सबसे पहले आपके पास जब डेटा आ जाए, ये आपके पास हर कस्टमर का डेटा है, उसका सैलरी और उसका स्पेंडिंग स्कोर। अब आपको क्या करना होता है, साइपाई लाइब्रेरी को यूज करके डेंडोग्राम निकालना होता है। दिस इज द कोड। ठीक है, यहाँ पर यू कैन सी मेथड में हमने व्हाट दे रखा है, हमने अपना डेटा प्रोवाइड किया और ये फंक्शन को हमने कॉल किया और हमने डेंडोग्राम फंक्शन के अंदर इसको पास कर दिया, एंड दिस इज द डेंडोग्राम। ठीक है, अब इस डेंडोग्राम को देख करके आपको डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने होंगे। अब ये सेम डेंडोग्राम हमने थोड़ी देर पहले यूज किया था, मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे 5 ये होंगे क्लस्टर्स फॉर्म होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, क्लस्टर से एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग को कॉल करना है, नंबर ऑफ क्लस्टर्स बताने हैं, एफिनिटी बताना है, लिंकेज बताना है, और आपको बस लेबल्स निकाल लेने हैं यूजिंग फिट प्रिडिक्ट। और ये रहे मेरे लेबल्स फॉर ऑल द 200 कस्टमर्स। ठीक है, और लास्टली बस मैंने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल करके उसको प्लॉट कर दिया, और ये रहे मेरे सारे के सारे कस्टमर्स 5 अलग अलग क्लस्टर्स में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कोड है, बट मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट देता हूँ। कैगल पे कुछ डेटा सेट्स हैं जहाँ पर कंट्रीज का डेटा दिया हुआ है, GDP, पॉपुलेशन, सरफेस एरिया, इस तरह का डेटा दिया हुआ है। आप क्या करो, आप उस तरह के डेटा के ऊपर एक बार एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग लगा के देखो और पता करो कि इंडिया के क्लोजेस्ट कौन सी कंट्रीज आ रही हैं। ठीक है, एक बार वो ट्राई करके देखना, इट इज एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। नाउ लास्टली लेट्स डिस्कस द लिमिटेशंस एंड बेनिफिट्स ऑफ हायरार्कल क्लस्टरिंग। सो लेट्स डिस्कस द बेनिफिट्स फर्स्ट। अगर आप बेनिफिट्स की बात करो तो 2 बड़े बेनिफिट्स होते हैं हायरार्कल क्लस्टरिंग में। फर्स्ट, बहुत ही वाइड वेराइटी के डेटा सेट को आप क्लस्टर कर सकते हो। जैसे के मीन्स में आपने देखा थोड़े लिमिटेशंस हैं, कुछ स्पेशल डेटा सेट्स में आपका के मीन्स काम नहीं करता। आपका जो हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, सिंस उसमें अलग अलग टेक्निक्स हैं, मिन, मैक्स, वॉर्ड मेथड, उनको अलग अलग ढंग से यूज करके आप बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सेट्स को सही से क्लस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, फर्स्ट बेनिफिट इज वाइडली एप्लीकेबल।
ठीक है। सेकंड जो बेनिफिट है वो ये है कि आप डेंडोग्राम फॉर्म करते हो व्हाइल मेकिंग क्लस्टर्स, ठीक है। अब डेंडोग्राम से ये होता है कि आप जब डेंडोग्राम बनाते हो, आप इस तरीके से जब डेंडोग्राम बनाते हो तो आपको हर पॉइंट पे ये पता रहता है कि कौन सा पॉइंट के पास दूसरा पॉइंट सबसे क्लोज है। मतलब आई मेंट कि हर पॉइंट का क्लोजेस्ट कौन सा पॉइंट है, ये इंफॉर्मेशन हमें पता रहता है, ठीक है। इन दोनों के सबसे क्लोज कौन सा है, ये दोनों। इन चारों के सबसे क्लोज कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास हर स्टेज पे हर पॉइंट के लिए इंफॉर्मेशन रहता है कि उसका क्लोजेस्ट पॉइंट कौन सा है। बेसिकली पूरा का पूरा हायरार्की का इंफॉर्मेशन मेरे पास रहता है। के मीन्स में ऐसा नहीं है, के मीन्स में अगर आप क्लस्टरिंग कर रहे हो तो इस पॉइंट का क्लोजेस्ट पॉइंट कौन सा है या सबसे नियरेस्ट नेबर कौन सा है वो हमें नहीं समझ में आएगा। ये चारों ही बराबर है इस पॉइंट के लिए। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आपके पास हायरार्की के थ्रू ये पता है कि इसका सबसे नियरेस्ट ये वाला ही पॉइंट है, ठीक है। तो ये डेंडोग्राम से हमें पता चल पाता है। तो अगर कोई ऐसा सिनेरियो है जहां पे हमें बहुत क्लोज की चीजें पता करनी है तो वहां पर आप ये यूज कर सकते हैं, ये एल्गोरिदम, ठीक है। अगर आप लिमिटेशंस की बात करो तो इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि आप इसको बड़े डेटा सेट्स के ऊपर यूज नहीं कर सकते। क्यों, मैं आपको रीजन बताता हूँ। अगर आपने एल्गोरिदम देखा होगा तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एन पॉइंट्स हैं तो आपको एन क्रॉस एन एक मैट्रिक्स बनाना होता है जहां पे आप डिस्टेंसेस फाइंड करते हो हर पॉइंट का हर पॉइंट के साथ, ठीक है। अब मान लो आपके पास 10^6 पॉइंट्स, मतलब आपके पास 10 लाख डेटा पॉइंट्स हैं, तो आपको ये मैट्रिक्स बनाने के लिए 10^12 bytes इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, विच इज लाइक 10 GB के अराउंड का इंफॉर्मेशन। और इतना इंफॉर्मेशन आपको अपने रैम में स्टोर करना होगा, एंड ऑब्वियसली हम में से बहुत लोगों का रैम इतना नहीं होता, ठीक है। तो जैसे ही बड़ा डेटा सेट आएगा वहां पर आप अनफॉर्चुनेटली ये एल्गोरिदम को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। सो दैट वॉज द वीडियो गाइज। आई होप आपको डिटेल में मैं समझा पाया कि हायरार्की क्लस्टरिंग कैसे काम करता है। अब एक फ्यूचर वीडियो में मैं आपको DB स्कैन क्लस्टरिंग एल्गोरिदम भी बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।